पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोतर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद द्वितीय अध्याय, विषय है गजेंद्र पर संकट का। संकट ना हो बुद्धि नहीं आता है, ये भी एक विचित्र बात है। हमने देखा और समझा भी इतने साल में, जब तक पढ़ता नहीं है तब तक अकल नहीं आता है। प्यार से बोलने से समझता नहीं कोई। गजेंद्र की जो मनोस्थिति है आप कल्पना करें, उसको कोई बोलेगा कि तू अभिमान कम कर, वो सुनेगा वो ना। वो ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, वो किसी चीज का परवाह ही नहीं कर रहा है। जहां पर उसको देख के अन्य प्राणी ऐसे दिखाते हैं कि हम भयाक्रांत है, तब तो वैसे भी कोई सुनने वाला मिलता नहीं है। कोई सुनने वाला मिलता नहीं, इसीलिए संकट बहुत जरूरी होता है। संकट में से व्यक्ति उबरने का जो प्रयास करता है, तब उसको भगवान की कृपा से सन्मार्ग प्राप्त होता है। कई बार हम चिंतन करता है कि परिस्थितियों के प्रभाव ने आज श्रीधाम गोवर्धन में इस व्यासासन पे बैठ के हरिकथा बोलने के लिए हमें तैयार किया, और अगर परिस्थिति जैसा था अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारा जीवन कैसे होता, ये सोचने से डर लगता है। और जब परिस्थिति सामने आया तब उसको सामना करने का हिम्मत नहीं था, तब भी डर था, लेकिन आज भगवान की कृपा से परमाराध्य गुरुदेव की कृपा से जो स्थिति है उस स्थिति में खड़े होकर बीता हुआ समय का जब हम लोग चिंतन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो जो संकट जो आया था जीवन में वो हमारे लिए परम मंगल का कारण बना है। ऐसा अगर वो नहीं होता क्या बने हुए होते, कहां नाच रहे होते, क्या कर रहे होते, कौन से चुटकुलों को कौन सी सिद्धांत को आदर्श बना के चल रहे होते, कुछ पता नहीं। परिस्थिति ने महापुरुषों का सानिध्य दिया, गुरुजी ने कृपा किया, श्रील भारती गोसाई महाराज जी, श्रील तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी जैसे महापुरुषों का संग दे दिया। आज बहुत अच्छा है, लेकिन आज का अच्छाई के पीछे 19 साल पहले का संकट भी है। ऐसा जो भी हो, गजेंद्र के ऊपर भी एक संकट आ रखा है। भगवान का उसके ऊपर तो कृपा है ही है, क्यों? क्योंकि पूर्व संस्कार पूर्व साधना इस प्रकार से है, जिसके चलते गजेंद्र को जो है भगवान का कृपा हो गया। इसी का वहां पर देखने को मिलता है। क्या है वो कि उनके पत्नी और बच्चे, उनके मित्र
सब उनसे एक एक करके पीछे हट रहे, बचेगा अकेला देखना अपने आप को और उस मगरमच्छ को। ऐसा हम भी देखा था 2007 में, मैं भी किसी गजेंद्र से कम नहीं, मंदबुद्धि है, मैं भी देखा 2007 में, किसी संदर्भ में लुधियाना जाना हुआ था श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने, और ऐसा परिस्थिति देखा। कल तक सारे भाई थे, दोस्त थे, सब थे, आज कोई हरे कृष्णा भी बोलना नहीं चाहता। मानो कि हरे कृष्णा बोलने से भी शायद हम मलिन हो जाएंगे या हरे कृष्णा शब्द दूषित हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में एक कोने में अपने आप को खड़ा देखकर मैं सोच रहा था, सब होते हुए भी कोई नहीं है, ऐसी स्थिति शायद इसी को कहते। इसलिए मैं श्री गुरु महाराज जी के पास जब गया था, मैंने यही बात गुरु जी के चरणों में निवेदन भी किया था। गुरु महाराज जी ने कोई उत्तर दिया नहीं, सिर्फ देखा गंभीरता से, सिर में हाथ रखा था बस। महापुरुषों का, गुरुजी जैसे व्यक्तित्वों का मुख से बोलने की जरूरत पड़ता नहीं, हम सब जानते ही हैं, उनका कृपा दृष्टि ही सब बना देता है। ऐसा वो रोना गुरुजी के सामने, वो सिर पे हाथ रखना, आज इसके ऊपर बिठाया, चल बैठ बोल, ऐसा ये तो उनका दिया हुआ भिक्षा है। कल परसों भी महाराज बोल ही रहे थे मुझे, हमारे पूज्य महाराज, अपनी औकात जानना है हम लोगों को, कुछ नहीं करना, अपना कपड़ा बदल के मार्केट में खड़े होने से अपने आप पता चल जाएगा। ये कपड़ा गुरु जी का दिया हुआ दान है, कृपा है, ये वेश उनका दिया हुआ है, ये प्यार उनका दिया हुआ है, ये परिवार उनका दिया हुआ है। नहीं है तो गजेंद्र की तरह कहीं ना कहीं जीवन के मोड़ में अकेले खड़े होकर के इंतजार कर रहे होते कि हमारा क्या होगा। आज गजेंद्र उसी संकट के उसमें बैठ के इंतजार कर रहा, देख रहा कि आए, दुखी है, लेकिन दुखी नहीं भी है। क्यों? क्योंकि गजेंद्र को यह बात समझ में आ गया, क्या है, भगवान की इच्छा से मेरे सामने आज ये विषम परिस्थिति आके खड़ा है। आज सुबह भी हमने महाराज श्री से सुना, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमान, गजेंद्र का दर्शन जो है सुसमीक्षमान वाला दर्शन, जो हो रहा है मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा है। यद्यपि वो प्रारब्ध है या कर्मफल है कुछ भी है, लेकिन दर्शन क्या है, मेरे गोविंद की कृपा मेरे सामने इस रूप में आके खड़ा है। गुरुवर्गों से श्रवण करते आए हैं, भगवान की कृपा है, जब इस चीज को देख पा रहे हैं, वो कृपा जो भी रूप में आता है उसको प्रसाद समझकर भक्त उसे आनंद से वरण करता है। वहां क्या सुख क्या दुख क्या कोई विवेचन नहीं। परमाराध्य श्रील गुरुत्पाद पद्म के हाथ से अगर आया केला है, बर्फी है कि सेब है कि काजू बर्फी है, कोई भेद देखता नहीं। कोई बाहर आके ये नहीं बोलता कि तुमको काजू बर्फी मिला, मुझे तो बूंदी का लड्डू मिला, कोई नहीं बोलता है। सब ये कहते हैं गुरुजी से प्रसाद मिला है। ऐसा वो कोई धूर्त हो सकता है, ऐसे बोलने वाले भी होते हैं, फिर वही है। लेकिन समझदार कोई भी हो वो बोलेगा, ये नहीं बोलेगा मुझे तो खट्टा संतरा दे दिया, तुझे तो सेब दिया, ना, प्रसाद है,
वो देख रहे हैं कि गुरुपाद पद्म के हाथ से आ रहा है। ऐसे ही जो सुसमीक्षमान व्यक्ति होता है वो भी सुख हो चाहे दुख हो कुछ भी सब कुछ गोविंद की अतिशयी कृपा के रूप में देखता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सर्वप्रथम बार जब श्रीधाम नवद्वीप का परिक्रमा प्रवर्तन किया उस समय प्रौढ़मा तला के अंदर प्रौढ़माया देवी का जो स्थान है वहां पर उनके ऊपर पत्थरों का बारिश हो गया, बौछार हो गया। कोई साधारण बात नहीं है, हाथी भी था उसको भी पीटा, पूरी अच्छी तरह से पीटा, पत्थर फेंकने लगे। शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का आज तिरुभाव तिथि है, वो आकृति से शिल प्रभुपाद जी के साथ में काफी मिलता जुलता उनका रूप था, हाइट से फिजिक से इन सब चीजों से। और हो न हो जितने भी प्रभुपाद जी के गण हैं वो सब सरस्वती पुत्र जितने भी हैं किसी ना किसी रूप में शिल प्रभुपाद उनके अंदर दिखलाई पड़ते थे, क्योंकि गुरुगत प्राण है, कोई भी ऐसे साधारण तो है नहीं। जैसे शिल गुरु महाराज जी के अंदर परम गुरु महाराज जी का दर्शन जैसे होता था भक्तों को, वो गुरुगत प्राण है, ऐसे ही प्रभुपाद जी के गण भी थे। और शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी उनका रूप थोड़ा मिलता जुलता था, उन्होंने प्रभुपाद जी के वस्त्र खुद पहन लिया और प्रभुपाद जी को वहां से चैतन्य मठ की ओर रवाना करा दिया। कोई साधारण बात नहीं है, पत्थर का बौछार हो रहा हो तो पीठ ना दिखा के गुरुदेव के आगे खड़े होना, वो भी उनका रूप वेश बना के। ऐसा परम पूज्यपाद श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी उनका नाम था तब, लेकिन उन्होंने अपने गुरुजी का कपड़ा पहन लिया और आगे खड़े हो गए। रामानुजाचार्य के एक शिष्य रहे हैं कुरेश, अभी उनका श्रीरंग क्षेत्र में उनका भी एक स्थान है, उनको कुरु तालवार बोलते हैं वहां के लोग, वो भी रामानुजाचार्य के वस्त्र पहन के चोलराज के पास चला गया था, चले गए थे, उनके आंख उघाड़ दिया उन लोगों ने। संकट आया तो हम आगे हैं, ऐसा रक्षा तो गुरुदेव ही करते हैं, लेकिन सेवक का ये धर्म है। जो शिला वर्तमान समय में, वर्तमान मतलब उस समय में 100 वर्ष पूर्व शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के दिव्य चरित्र में भी इसको देखने को मिला है। आज उनका तिरुभाव तिथि है, उनको पुष्पांजलि अर्पण करना है, इसीलिए उनको स्मरण किया। ऐसा तो जो हो, जब चैतन्य मठ में सब वापस आ गए, अब केस करने का बारी था। प्रभुपाद जी ने केस नहीं किया, उल्टा नवद्वीप धाम के अंदर पत्रिका में निकला कि जगाई मदाई की कमी आज भी नहीं है, आज भी है जगाई मदाई, आज भी है। और प्रभुपाद जी के बारे में भी लिखा कि नित्यानंद प्रभु का कृपा भी आज नवद्वीप धाम के अंदर देखने को मिल रहा है, ऐसे लंबा चौड़ा लेख आया। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं जब केस करने का बात आया? प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये लोग हमारा लाखों का काम कर दिया, जितना हम लाखों खर्चा करके भी नहीं कर सकते। कहने का अभिप्राय है पत्थर गिर रहा है उसको भी भगवान का कृपा देखने का जो गुण है वो श्रील प्रभुपाद जी जैसे व्यक्तित्व में ही हो सकता है। ऐसा कुछ भी होता है सुसमीक्षमान भगवान की कृपा है, मेरे प्रभु की यही कृपा है।
ऐसा। इसलिए यहां पर गजेंद्र को भी यह बात समझ में आ रहा है। इसलिए गजेंद्र देखता है कि ये क्या है, ये मगरमच्छ का जो आक्रमण है ऐसा ही नहीं हुआ, ये मेरे प्रभु का प्रेरणा है, उनका संकेत है, उनका कृपा है। इसीलिए क्या बोलते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं उस भगवान के शरण में जाना सही समझूंगा जिसका पूर्व साधन होता है। वो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में प्रभु के शरण में जाता है, डिप्रेस नहीं होता। इसीलिए हमारे गुरुजन बोलते हैं भजन करना, भजन नहीं करने वाला व्यक्ति, भजन में उदासीन व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज के लिए मर रहा होता है। कुछ भी होता है उसको सबसे पहले मरना आ जाता है। और भजन करने वाला व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में रहता है, मौत भी सामने आता है, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, भगवान है। और अगर भगवान की यही इच्छा है तो वही सही। ऐसा होता है। अब गजेंद्र सब छोड़ गए, उनको पता है कोई मुझे बचाने के लिए है नहीं इधर, मैं अकेला हूं। उस समय वो चिंतन कर रहा है और क्या बोलते हैं कि मैं भगवान के शरण में जाऊंगा। क्यों, वो भगवान कौन है जो सदैव जितने भी महापुरुष गण हैं उन सबको आश्रय प्रदान करते रहते हैं, परम दयालु। इसीलिए समस्त महापुरुष जितने भी उन सबको आश्रय प्रदान करने वाले मेरे गोविंद मेरे नाथ, उनके शरण में अब ग्रहण करता हूं। इसका व्याख्यान में श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं पदम पदम यद विपदम, पग पग पे यहां पर केवल मुसीबत है, विपत्तियां हैं इस संसार में। कोई सोचे कि इस संसार में मुसीबत नहीं है या संसार में रह के मैं अपनी सारी मुसीबतों को खत्म कर लूंगा, वो अपने साथ मजाक करना है। क्योंकि ये संसार ऐसी जगह है यहां कभी भी मुसीबत शेष नहीं होता है। एक गया तो दूसरा आता है, दूसरा गया तीसरा आता। कोई अगर सोचता है कि मैं इस संसार में सुखी रहूंगा, वो बोलते हैं वो मूर्ख है और उसका सोच जो है झूठा सोच है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। ऐसा क्या बोल रहे हैं, वास्तव में क्या हो कि वास्तविकता में वो सुखी नहीं रहता है, लेकिन उसका वो चिंतन वो क्या है, क्या किस कारण से, मोहग्रस्त होने के कारण। मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के कराए गधा, वो मोहग्रस्त होकर अनित्य संसार में फंस कर गधा जैसा हो जाता है बेचारा। और गधा बड़ा विचित्र प्राणी है, जब तक भार ना लादो वो चलता नहीं, ऊपर से भार लाद कर वो गधे को हांकने वाला व्यक्ति आगे ऐसा गाजर लटका के रखता है, वो गाजर को देखता है कि खाने को मिलेगा और वो आगे आगे चल रहा होता है, भार भी लाद रहा है गाजर भी मिल नहीं रहा है, यही विचित्रता है। हम भी दुनिया के व्यक्तियों के बोझ को लाद कर, है ना, दुनिया के व्यक्तियों के जो उनके उम्मीदों के जो भार है उसको लाद रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इसको लाद कर मैं सुख अनुभव कर रहा हूं और इन लोगों के साथ मुझे सुख अनुभव होगा।
वो बड़ा विचित्र मामला है, बोझ को लादते हुए उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए जैसे जैसे चलते हैं पीछे नई नई उम्मीदें जुड़ता जा रहा है, वो बोझ बढ़ रहा है और उसको सुख भी नहीं मिल रहा है। वो मोहग्रस्त होने के कारण सोच रहा है कि मैं इसको उठाकर बहुत सुखी हूं, ऐसा। वो पशु रूप से है या मनुष्य रूप से है, इतना ही अंतर है। बट जो विचार है वो एक ही है, ऐसा। इसलिए यहां पर हर क्षण हर कदम पे संकट है। आधुनिक समय के जो लोग हैं तरह तरह के यंत्र तंत्रों को ला के रख के सोचते हैं कि हम सुखी हो गए। पहले लोग झोपड़ी में रहते थे, अभी हम लोग बढ़िया मार्बल टाइल ग्रानाइट वाले जमीन में उसमें रह रहे हैं, तब जबकि इतना मुसीबत नहीं था। इतना आज की डेट में अपनी आधुनिकता के कारण जो मुसीबतें और बढ़ चुके, ऐसा। तो जो हो, कुछ भी हो, हर प्रकार से कोई ना कोई संकट बना हुआ ही रहता है। और वास्तविक ज्ञान क्या है? अवास्तविक ज्ञान के बारे में यहां पर बता रहे हैं कि यह संसार या भौतिक जगत संकटों से पूर्ण है, भरा हुआ है, इस बात का ज्ञात होना ही वास्तविक ज्ञान है। महापुरुषों को सबको ये पता होता है, लेकिन वो लोग इन चीजों के द्वारा प्रभावित नहीं रहते, और वो लोग जो परिस्थिति में हैं वो परिस्थिति को सुंदर बना लेते हैं। जो स्थान में, जिन व्यक्तियों के साथ, जिस समाज में हम लोग अपना दिन काटना मुश्किल समझते हैं, जहां हमें घुटन अनुभव होने लगता है, महापुरुष उन लोगों के बीच में से ऐसे निकल के खड़े हो जाते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लो कीचड़ के बीच में से कमल का फूल खिलता हो, कीचड़ से निकला है, लेकिन कीचड़ का एक बूंद भी जो है उसको स्पर्श ही नहीं करता, संसार में है। और संसार के अंदर रहने वाले विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों के मध्य में है, और उन विचारों के संघर्ष के बीच में है, लेकिन फिर भी उनके किसी भी क्रिया के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा प्रभावित नहीं रहते, पूर्णतः निर्लिप्त होकर के रहते, ऐसा। उनको यह मालूम है कि यहां केवल संकट है, इसीलिए उसमें वो लिप्त नहीं हो रहे हैं। दुनिया का व्यक्ति को यह चीज समझ में आता नहीं। इसी कारण से जब मालूम है बिजली है, हाथ डालूंगा तो झटका पड़ेगा, कौन है ऐसा व्यक्ति बताइए जो जाकर के उसको हाथ लगाएगा? एसिड है, हाथ में गिर गया तो जल जाएगा, ये पता है, कौन है जो एसिड को हाथ में लेगा? ऐसा जो चीज समझ में आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन संसार इतना विचित्र है, मोहग्रस्त व्यक्ति इतने थप्पड़ खाते हुए भी कभी किस रूप से, कभी किसी रूप से थप्पड़ पड़ी जा, फिर भी अकल आ नहीं रहा है। इसलिए बोलते वास्तविक ज्ञान यही है कि समझ जाना कि यहां पर क्लेश है, तभी व्यक्ति जो है क्लेश निवृत्ति की तरफ चिंतन करेगा। जब मुझे लगे मुझे कोई मुसीबत ही नहीं है तो फिर क्या चिंतन करना है ना? कृष्ण कीर्तन जय क्लेश निवृत्ति है, कृष्ण कीर्तन की जय जयकार उसको मैं करूंगा तो मेरे सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। जब मैं क्लेश है ये समझता ही नहीं, देखता ही नहीं,
तो फिर कहां से होगा। गीताजी में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश देना था शेष में बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, से सीधा बोल देते कि तुम सब छोड़ के मेरे शरण में आओ। अर्जुन कई लॉजिक से पूछने की संभावना है, कई तर्क उठा सकते, इसीलिए भगवान ने पहले ही उन सब चीजों को उठा के शेष में बता रहे हैं, तुम जो है और कोई रास्ता ढूंढोगे समझ जाना तुम्हारा कोई भी रास्ता काम आने वाला नहीं है। एक ही उपाय, मामेकम शरणम व्रज, मेरे एकमात्र का शरण ग्रहण करो, मेरे शरण के पथ पे अग्रसर हो। इसीलिए भगवत गीता का उपदेश डांटते हुए शुरू किया, कभी नहीं डांटा कृष्ण ने अर्जुन को, उस दिन डांटा, कुतस्त्वा कश्मलमेदं विषमे समुपस्थित, कर क्या रहे तुम। इसीलिए अर्जुन को दिल पे लगा, उनके हृदय पे लगा कि ये क्या है, मैं कुछ भी बोलता हूं मेरे बात का कृष्ण मान रखते हैं, आज जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे ऐसे कह रहे हैं, इसका कुछ तो और तात्पर्य है। तब अर्जुन ने कृष्ण के शरण ग्रहण किया, तब जाके भगवद गीता का उपदेश दिया, उसके बाद भी बहुत कुछ बोल के शेष में कह रहे कि आओ। ऐसा अर्जुन को उपलक्ष्य करके जगत को बता रहे। इसीलिए क्या बोलते हैं, हमारे महाराज श्री कह रहे हैं कि हम वही तक संघर्ष कर सकते हैं जहां तक हमारा बुद्धि जो है वो काम करती है। बुद्धि जहां काम करना बंद कर दे और क्या संघर्ष करेगा आदमी। ऐसा, और जब तक भगवान कृष्ण हमें अंततः संकट से बचा नहीं लेते तब तक हमारा प्रयास व्यर्थ ही रहेगा। संकट से निवृत्त होने के लिए हमारे द्वारा किए गए तमाम प्रयास जो है तभी उसको सार्थकता है जब हम भगवान के कृपा के द्वारा संरक्षित होंगे। इसीलिए आज एक हाथी के ऊपर बात संकट की नहीं है, बात यह है कि उस संकट की घड़ी में गोविंद के चरणों में शरणागत होने की और उसके शरणागति को स्वीकार करके भगवान के द्वारा उनके ऊपर कृपा करने की बात है यहां पर। नहीं तो क्या है, दो जानवर तो लड़ते नहीं, शेर हिरण को खा गया, ये सब चीजें होता ही है। बहुला वन में विशेषता यही तो है, संकर्षण कुंड के पास में वो बहुला गाय का मंदिर भी बना हुआ कि वो शेर गौ माता को खाना चाहता, भगवान आके रक्षा कर रहे हैं क्योंकि गौ माता भक्त है गोविंद के, वो ब्राह्मण गोविंद के भक्त है। ऐसा जहां पर भक्ति है, जहां समर्पण है, जहां पर समर्पित प्रार्थना है, प्रार्थना के अंदर समर्पण होना जरूरी है। कल परसों महाराज श्री बोल रहे थे कि जो है जो गा रहे हैं जैसे जो शब्द बोल रहे हैं वो भाव अंदर नहीं है, भगवान भी बोलते हैं लगे रहो। ऐसा है ना, कई लोग बोलते हैं कि महाराज त्रिनादपि सुनिचन श्लोक खूब पाठ करते हैं, रोज बोलते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, वो वही है कि यहां से बोलते हैं। श्री गुरु महाराज जी कई बार बोला यहां से बोलने से नहीं चलेगा, यहां से बोलना होगा। बोल सकेगा और कौन बोल सकतेगा, आसान है, गुरु महाराज जी बोल पूछ रहे हैं। तो ऐसा यहां पर प्रार्थना के अंदर जो है शरणागति होना जरूरी है,
शरणागत प्रार्थना जहां पर है, मैं हरिनाम कर रहा हूं तो हे नाथ मैं आपके शरण में हूं, आपके बिना मेरा रक्षा कौन करेगा, मेरा गति कौन है, कहां जाऊंगा मैं, आप ही का आश्रय में ग्रहण कर रहा हूं, इस विपत्ति के घड़ी में मेरा रक्षा करने वाला और तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और कोई हो भी नहीं सकता। गजेंद्र तो इस कंक्लूजन पे भी आ गया, इसलिए गजेंद्र के लिए भगवान का शरण में जाना ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, उनका वो एक्सक्लूसिव है, केवल मात्र भगवान के शरण में ही मुझे रक्षा हो सकता है और कहीं मेरा बचाव हो ही नहीं सकता। अगर मैं सोचूं कि शायद दूसरा कोई विकल्प है, नो अदर ऑप्शन, ये विशेषता है। वो अगर गोविंद के शरण में गया, सारे विकल्पों को बंद करके गया, मैं मर रहा हूं शायद ये नहीं तो वो बचा ले चल भैया, ऐसा नहीं है। इसलिए गजेंद्र अपनी प्रार्थना के अंदर ये नहीं कह रहे कि मुझे ग्रास से बचा लो, ऐसा उद्धार की प्रार्थना कर रहे, कामना कर रहे कि नाथ मेरा रक्षा करो, मैं तो क्या किस अवस्था में फंसा हुआ। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मगरमच्छ के कारण नहीं, मृत्यु का भय नहीं है। अब मृत्यु का भय तब तक था जब तक गोविंद के शरण में नहीं गए। भगवान के चरण तो अभय चरण है, ऐसा इसलिए बोला अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वय, तहां ते एखोन विश्राम लभिया छाड़ीनु भवीर भाई। गोविंद के चरणों में विश्राम प्राप्त करने वाला जो भी जीव है उसके पास शोक कहां है, भय कहां है, ना शोक है ना भय, कुछ भी नहीं है, अमृत आधार है, वहां केवल अमृत बरसता है। गजेंद्र तो गोविंद के शरण में तो चला गया, मान लिया इस बात को, स्वीकार कर लिया कि मेरा इस मृत्यु के घड़ी में अगर कोई रक्षा कर सकता है, केवल और केवल भगवान रक्षा कर सकते हैं, ना केवल भगवान ही रक्षा कर सकते हैं, ऐसा एक सिद्धांत पे पहुंच गए हैं। श्रील स्वामी को समान इसीलिए बोल रहे हैं, ऐसे ना ऐसी धारणा में ना रहकर जो अपने बुद्धि की सीमा जहां तक है वहां तक जाकर अपने बचाव पक्ष में जितना भी साधन क्यों ना कर लो, अगर गोविंद का कृपा नहीं हुआ है सर्वथा निष्फल हो जाएगा। ऐसा जयद्रथ जो है, अर्जुन ने संकल्प ले लिया कल तक अगर मैंने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को समाप्त नहीं किया मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। मृत्यु को वरण करने के लिए अर्जुन तैयार हो गया और आराम से सो गया आके रात को। कृष्ण चिंतित हैं, कृष्ण आके बोलते तुम आराम से सो रहे, बोलते आपके रहते हुए किस बात का चिंता, अर्जुन का समर्पण देखो, इतना बड़ा संकल्प ले ली। कृष्ण बोल रहे कि देखो एक दिन की बात है, कहीं भी छिपा दे सकते हैं, कहीं भी छिपा दे सकते हैं, शाम तक क्या करेगा तुम, बोलते वो मुझे नहीं मालूम, आप हैं आपके भरोसे पे। जयद्रथ को 36 किलोमीटर दूरी पे रखा, 12 कोस दूरी पे रखा था जयद्रथ को जब युद्ध हो रहा था, और उसके बाद बीच में बड़े बड़े धुरंधर जो रथी महारथी है उन सबको खड़ा कर दिया,
एक एक से भी लड़ते हुए आगे जाने का कोशिश करे तब भी जो है शाम तक नहीं पहुंचेगा जयद्रथ के पास। सबको उधर खड़ा कर, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है। अगर अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार सकता है तो अर्जुन खुद ही अग्नि प्रवेश करके जीवन दान दे देगा, उससे तो अर्जुन खत्म। अर्जुन खत्म है तो युद्ध ही खत्म। महाभारत का युद्ध का मूल व्यक्ति जो है अर्जुन ही है। अर्जुन नहीं है तो युद्ध कब का खत्म। और अगर मान लो उसने जयद्रथ को मार डाला तो भी अर्जुन खत्म, क्योंकि जयद्रथ को वरदान है। जो जयद्रथ का सर को अलग करेगा धड़ से और उसका सर जमीन में गिरने का जो कारण होगा, उसका खुद का सर भी हजार टुकड़े में फटेगा। मतलब जयद्रथ को जो भी मारेगा उसका गर्दन जमीन में गिरा, मारने वाले का सर भी हजार टुकड़ा होगा। दोनों तरफ से उनको मालूम है कि अर्जुन ने तो मरना ही है, लेकिन अर्जुन का भरोसा गोविंद के ऊपर है। इसी कारण से भगवान ने अर्जुन को बचा लिया, अर्जुन को बचा लिया अपने माया से। ऐसा कर दिया कि सूर्यास्त हो गया। अब खुशी से जयद्रथ जो है निकल निकल के अर्जुन के सामने आया। अर्जुन बहुत उदास होकर चिंता कर रहे, तो कृष्ण अर्जुन से मजाक करते हुए कहते कि गांडीव ले लो, जब अग्नि प्रवेश करना ही है तो वीर की तरह करना। बोला ठीक है, गोविंद की, मेरे नाथ की यही इच्छा। सब ले लिया, चिता सजा दी, सब बोल रहे कि चल। उसी समय भगवान ने अपनी माया हटाया और बता रहे कृपाचार्य वगैरह कि अभी तो सूर्यास्त हुआ नहीं। कृष्ण बोलते हैं हाथ में गांडीव, सामने जयद्रथ है, कर बस। और करना ऐसे कि जयद्रथ का सर जाके उसके पिताजी के गोद में गिरे, वही उनका मोक्ष साधन है। बोले ठीक है। जैसे ही चलाया साथ साथ जाके वो वहां गिरा, वो ऐसे जब हाथ से निकाला साथ साथ उसका भी कल्याण हो गया। ऐसा कहने का मतलब है गोविंद का शरण में जो चला जाएगा, भयंकर से भयंकर संकट क्यों ना हो, उससे भगवान अपने आप उभार लेते हैं। नहीं है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति दीर्घ काल तक संघर्ष करता रहे, जब तक जीवित है एक क्लेश टलेगा तो उसको लगता है कि टला, वो जबकि टलता नहीं है, अनुसंगिक रूप से या उसका संगी बनकर नया खड़ा हो जाता है। जैसे भगवान एक काम करने आते हैं तो बहुत सारे काम संपन्न हो जाते हैं, ऐसे ही संसारी जीव अपना बुद्धि का प्रयोग अपने सुख के लिए, अपने संरक्षण के लिए करता है, गोविंद से विमुख होकर। वो बोलते हैं बड़ी अद्भुत बात है, वो नए नए कलेशों में उलझता हुआ चला जाता है। संसार मतलब ही वो है। पहली बात, संसार जो है एक दलदल की तरह है, संसार जो है एक दावानल की तरह है, संसार अंधकूप की तरह है। ऐसे हमारे शास्त्र बतला रहे हैं, ऐसे हमारे ऋषि मुनि भी बतला रहे हैं। कोई हमें पूछ सकता है कि महाराज आपको थोड़ा अनुभव है ये बातों का, आप कैसे बोल सकते हैं, आप तो संसार में गए नहीं। सच बोलो तो आप सबसे ज्यादा अनुभव हो गया हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें अपना दिल का करीब जानकर जो रोना किसी के आगे नहीं रो सकते हैं, वो सब हमारे आगे रो रो के रो रो के रो रो के हमें इतनी अनुभवी बना दिया। वृंदावन बिहारी लाल की।
लोगों को एक का घर का रोना पता है, दूसरों का दो एक लोगों का पता होता है, बाकी कोई किससे भी पूछे कैसे हैं, ओह राधा रानी कृपा है जी, बहुत बढ़िया। लेकिन वो सारी कृपा की आवरण हमारे कमरों में आते ही एक साइड हो जाता है और अपना रोना जो है सामने निकल जाता है। लोग अपना रोना रो रो के हमें एक्सपर्ट बना दिया, एक्सपीरियंस्ड बना दिया जीवन का। ऊपर से महापुरुषों की वाणी, शास्त्रों की वाणी, है ना, यहां पर थियरी दिखाई दे रहा है, वहां प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है, दोनों को स्टडी करके हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो जो हो, यहां पर आगे क्या बोल रहे हैं, आज शिला मुरारी गुप्त जी का भी तिरुभाव तिथि है। शिला मुरारी गुप्त श्रीधाम मायापुर के अंदर उनका वासस्थान है। उनका जीवन इतनी अद्भुत है और शिक्षा प्रद इस प्रकार से है, महाप्रभु के गण मतलब सबका अंदर एक ही चिंतन है कि केवल और केवल पारकीय रस के अनगत जनों को ही महाप्रभु के धारा माना जाता। लेकिन महाप्रभु के कई भक्त हुए हैं जो लोग केवल पारकीय भाव के ही नहीं है, अन्यान्य भावों के भी भक्त रहे हैं। ऐसा मुरारी गुप्त भगवान श्री रामचंद्र जी के बहुत अनन्य निष्ठ भक्त है। उनकी निष्ठा देखकर श्री चैतन्य देव ने उनसे कहा कि आप राम भक्त हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अपना ये श्रद्धा ये समर्पण को अगर आप लीला पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लगा सके उत्तम होगा। बोले ठीक है, महाप्रभु को कह रहे हैं आप कह रहे हैं हम प्रयास करेंगे साधन करेंगे। ठीक है, कितना भी कोशिश करें उनका मन कृष्ण में लगता ही नहीं, उनका मन श्री रामचंद्र जी के दिव्य चरणों से रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं होता। साधारण भक्त नहीं है वो, ध्यान में बैठे हैं, साधन करते करते ध्यान में ही उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाकर महाप्रभु को भोग लगा दिया। लेकिन इसमें घी से बनाया, बहुत सारी चीजें घी के पकवान, बहुत सारी चीजें बनाकर स्थूल रूप से महाप्रभु वहां नहीं है, पकवान बनाकर महाप्रभु को भी उन्होंने दे दिया। आप देखो हमारा ध्यान कल्पना है और बहुत कृपा होने पर कुछ संभव है। मुरारी गुप्त साधारण भक्त नहीं है, क्या हो रहा है, सब खिला दिया। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ दौड़ के आ रहे उनका घर, दौड़ के आ रहे, आंखें बोलते हैं जल्दी इधर उधर से पानी कहां है, और एक टूटा हुआ ग्लास पड़ा है पात्र, उसमें से पानी लेकर जल्दी जल्दी पी रहे। वो बोलते हैं टूटे हुए बर्तन से पानी पी रहे, ये हमारे लिए अमंगल है, थोड़ा प्रतीक्षा नहीं कर सकते, हम आपको उत्तम पात्र में जल भर करके देंगे। महाप्रभु बोलते हैं इतना घी इतना गरिष्ठ भोजन कराया, पानी नहीं पिलाना था, कितना तकलीफ हो रहा है हमको। ऐसे भक्त हैं मुरारी गुप्त, उनके हृदय की बात को गौर सुंदर स्वयं सुनते हैं और उनसे स्नेह करते, इसीलिए वो उनसे कह रहे हैं कि देखो आप जो है
कृष्ण भजन करना, ठीक है, मन कृष्ण में लगता ही नहीं। यद्यपि तत्व से कृष्ण राम एक ही है, नारायण सब एक है, लेकिन लीला के अंदर अंतर है और समर्पण की बात है। हनुमान जी हैं, उन्होंने कृष्ण को तो देखा ही है, ऐसा तो नहीं कि कृष्ण दर्शन नहीं किया, उल्टा उसी रथ के ऊपर है ना, वो पताका के ऊपर बैठकर जो सामने आ रहा है उनको डरा रहे हैं। सामने जो आ रहा है अर्जुन के रथ के सामने, नीचे भगवान है, ऊपर हनुमान है, और बीच में जो है अर्जुन है, डरा रहे हैं सबको, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बहुत कुछ है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति राम जी के चरणों से इधर से उधर नहीं हुआ कभी भी, ऐसा जानते हुए। आज मुरारी गुप्त चिंतन किया कि निमाय पंडित ने हमें कहा कि कृष्ण भजन करना चाहिए, लेकिन हमारा मन उनका आज्ञा पालन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए जीवन धारण करके कोई लाभ नहीं है, मैं इससे अच्छा प्राणों का आहुति दे दूं, समर्पित कर। इसलिए उन्होंने एक अस्त्र बनवाया कि अब मैं इससे अपना प्राण त्याग कर दूंगा। किस चीज का प्रतीक्षा कर रहे थे वो तो हम जानते नहीं और गुरुवर्गों से सुना भी नहीं, लेकिन अस्त्र बना के ला के घर के अंदर रखा। श्री चैतन्य महाप्रभु उसी समय वहां पहुंच के बोलते हैं, जो तुमने बना के रखा है वो हमारे हाथ में दो, हम जानते हैं तुमने क्या योजना बनाया, जो लेके आया वो हमारे हाथ में दो, बोल के महाप्रभु ने उसको ले लिया। मुरारी गुप्त उनके चरणों में गिर के कहते हैं कि नाथ मैं क्या करूं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, आपके अंदर की जो भक्ति है वो जगत को परिचित कराने के लिए इस तरह का अभिनय करना पड़ा, आप रामचंद्र जी का ही आराधना करें। तो वहां पर रह के उन्होंने श्री राम जी की आराधना की है। आज भी उनका तिरुभाव तिथि है, उनके श्री चरणों में भी प्रणाम करते हैं, वो गौर प्रिय जन है, उनका कृपा होने से महाप्रभु का कृपा संभव है, और महाप्रभु का कृपा होने से ही राधा कृष्ण के एकांतिक सेवा प्राप्त हो सकता है। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के मुख से श्रवण किया था, महाराज बोलते गुरुदेव कृपा करके महाप्रभु के पास ले जाते हैं और महाप्रभु राधा कृष्ण की सेवा प्रदान करते हैं। ऐसा जो भी है वो गोपियों का आगे आगे जैसा क्रम चलता है, यही बात है। आज शरद पूर्णिमा है, आज ही की तिथि में चंद्र सरोवर में श्री राधा कृष्ण का गोपियों के साथ में शारदीय रास हुआ और वहीं से राधा कृष्ण दोनों ही गोपियों को सबको वहां छोड़कर गायब हो जाते, ये सारी लीला आज ही घटा। आज का तिथि में पूर्ण चंद्रमा बड़ी सुंदर और उसी समय गोपियों के साथ गोविंद का विलास लीला बड़ा ही अद्भुत, कामदेव को भी मोहित कर देने वाला, कामदेव कृष्ण को आकर्षित करना चाहता है, कृष्ण ने कामदेव को ही मोहित कर लिया और कामदेव को पराजित कर दिया पहले तो चल। कामदेव कोई बड़ा दुष्ट है, वो पांच बाण छोड़ता है और जो उनके बाण लगते हैं वो आहत होता है, उसके बाद वो ना जीने लायक होता है ना मरने लायक। कृष्ण जो है मदन मोहन वो भी बाणों को छोड़ते हैं, लेकिन उनके बाण जो है फूलों की तरह होते हैं, उसका अर्थ नहीं है
चर्चा किया जाएगा, लेकिन ऐसा है जो हो। श्री कृष्ण श्री राधा जी को लेकर वहां से अंतर्धान हो जाते हैं और इसके बाद श्री राधिका को भी वहां पर छोड़कर वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। जब अंतर्धान हो जाते हैं, गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही है, राधा रानी को ढूंढ रही है, क्योंकि वो दोनों ही गायब है रास से। ढूंढते ढूंढते एक स्थान आता है जहां पर वो लोग कृष्ण को पकड़ लेते हैं, कृष्ण को पकड़ लेते हैं, लेकिन कृष्ण वहां पर अपना नारायण रूप बना लेते हैं, नारायण का रूप बना लेते हैं। गोपियां आके देखती है तो नारायण है, नमो नारायण करके प्रणाम करके आगे निकल जाती है, ढूंढ रही है कृष्ण को। ढूंढते ढूंढते श्री राधा जी के साथ में जब ढूंढा तब उनको कृष्ण प्राप्त हुए हैं, राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के संग से। ऐसे सुना है कि राधा रानी है जब होगी संग में तो कृष्ण किसी भी प्रकार का आवरण से अपने आप को आच्छेदित नहीं कर सकते हैं, कृष्ण छिप ही नहीं सकते। कोई ऐसी साधन नहीं है जिससे कि कृष्ण वहां पर अपने आप को छिपा ले। राधा रानी जैसे ही गोपियों के साथ मिलकर, राधा रानी तो विलाप करने लगी कि अरे मुझे भी छोड़ के चला गया, तो गोपियां ने आके देखा कि राधा रानी भी अकेली है इधर, तो वो लोग राधा रानी को बोला कि चलो ढूंढते हैं। जब सब मिलके ढूंढा तब राधा रानी होने के कारण उनको कृष्ण प्राप्ति हुआ, कृष्ण सेवा प्राप्ति हुआ। फिर आनंद के साथ सब मिलकर पुनः रास को करने लगे। ऐसी अद्भुत जो लीला है वो इसी शरद पूर्णिमा की तिथि में घटित हुआ। उस लीला को अगर हम लोग अनुभव करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उस लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमारे पूर्व आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित जो भजन प्रणाली है उसका श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ अनुसरण करना होगा। इन शॉर्ट हरिनाम करना होगा। बराबर हरिनाम किए बिना, बराबर संध्या किए बिना, बराबर हरि कथा श्रवण किए बिना कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान का कोई भी लीला को अनुभव नहीं कर सकता है। और अब गजेंद्र के साथ आगे क्या हुआ उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी सप्तम याम कीर्तन, प्रदोष कालीन भजन, प्रेम विप्रलंब। युगायतम निमेषेना चक्षुषा प्रावृषायितम् शून्यायितम् जगत् सर्वम् गोविंद विरहे नमे। उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलो युगसाम, वर्षार मेघ प्राय अश्रु बरिषे नयन। गोविंद विरहे शून्य हैलो त्रिभुवान, तुषान ले पोड़े जेन न जाय जीवन। गाइते गाइते नाम की दशा है लो, गाइते गाइते नाम की दशा कृष्ण दास मुई हृदय स्फुरिलो।
जानेलाम माया पाशे ये जड़ जगते जानेलाम पाइना नमते आर्ये संसार मो नाही लागे भाला पारा न छाड़ी ते
गायते गोविंद नाम कृपा जिल भवता देखिलाम यमुना रघुने ऋषभानु सुता संगे श्याम नट भर रंगे बांसुरी बजाए नृप मूले ढेकिया युगल धन अस्ति रहिलो ज्ञान हरहिलु तखन कतक्षणे नाहि जानी ज्ञान लाभ हैलो मानी कतक्षणे भेलो दर्शन आर नाही भेलो दर्शन परान सकिलो निमेश हाइलो युगे रसमान हे मते धरिबो परान निमेश हाइलो युगे रसमान हे मते धरिबो परान श्रवणे शून्य भेलो दरतल शून्य भेलो दरतल गोविंद विराहे प्राण नाही राहे भक्ति विनोद अस्ति रहिया पुनः नमाश्रय करी डाके राधा नाथ दिया दर्शन डाके राधा नाथ दिया दर्शन प्राण राखना है मारी प्राण राखो प्रदोषकालीन भजन श्री गोविंद लीलामृत राधाम सलिगणाम तमसितसिता निशा योग्य वेशाम प्रदोषे
दूत्या वृंदोपदेशाभिसृत यमुना तीर कल्पाग कुंजम कृष्णं गोपै सभायां विहित गुणी कललोकनं स्निग्धमात्र यत्नादानीयं संशयितमित निवृतं प्राप्त कुंजं स्मरामि राधा वृंदोपदेशे यमुना पकुलादेशे संगे सानंदंतारी सखी संगे सानंदंतारी मातृयत्ने करिलो शयाना मातृयत्ने करिलो शयाना राधा संग संवरिया निभृत बाही राहैया प्राप्त कुंज करिए स्मरण प्राप्त कुंज करिए अष्टम्याम साधन रात्रि लीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वापादरतां पिनष्टु मां मदर्शनान् मरमातां करोतु वा यथा तथा वा विदधा तुलं पटु मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर
श्रीमती राधिका का ये भाव, इसका सिर्फ हम गुरुजी बोलते इशारा दिया। अक्सर जब इसके बारे में आता है गुरुजी हमेशा बोलते हैं इशारा दिया, बाकियों का तो फिर भी थोड़ा व्याख्या करते हैं ऐसे, ताकि गुरुजी तो व्याख्या कर सकते हैं लेकिन मेरा जैसा आदमी जो है आदर्श की तरह लेकर करे ना, उसके लिए उन्होंने भी ज्यादा की नहीं है इस लीला का। इतना यहाँ पर बोल रहे हैं कैसी भाव है राधा रानी का भाव, चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीला का ये बात है। महाप्रभु आखिरी के जो 12 साल कृष्ण विरह में राधा रानी के भाव में डूबकर कैसे गंभीरा में साधन किया रहे हैं, उस लीला का आस्वादन किया। पांव इसे जमीन में घीस देते थे, मुंह ऐसा ऐसा जमीन में घीस देते थे, दीवारों पे छील जाता था ऐसा, वो विरह की पीड़ा सहा नहीं जाता ऐसा। और अंदर से एक भाव आता है कैसे, ना गणी अपन दुख सवे वांछी तार सुख, प्रीतम का सुख ही एकमात्र मेरा सब कुछ है, मेरे गोविंद की प्रसन्नता उनकी सुख ही मेरा सब कुछ है, मेरा सुख का वास्तविक तात्पर्य ही वो है। मेरे प्रभु मेरे किसी क्रिया से प्रसन्न नहीं है लेकिन मैं अपने आप को सुखी अनुभव कर रहा हूं तो कहां भक्ति है ऐसा। मोर यदि दिया दुख तार हैल महासुख, हम तो दुख कल्पना करके भी तैयार नहीं है। ये बोल रहे मुझे दुख देख के मेरे गोविंद को सुख मिलता है तो उनको मिलने वाला वो सुख ही मेरे लिए परम सुख है। उनका वो जो दुख मुझे मिल रहा है लेकिन मेरे गोविंद उस दुख के कारण खुश हैं, तो गोविंद का सुख मेरे दुख होने पे भी वो दुख ही मेरे लिए परम सुख का कारण है। कहां इंसानों में ये चीज हो सकता है। श्रील तुरियाश्रमी गोसाई महाराज जी परम गुरु जी के बारे में ये बात बोला, श्रील भारती गोसाई महाराज जी से भी सुना है। प्रभुपाद जी के प्रियजन जानकर, सारे गुरु भाई होते हैं, कोई पसंद करता है कोई नहीं करता, कोई अनुकूल होता है कोई प्रतिकूल होता है, वो साधारण सी बात है। लेकिन प्रभुपाद जी के प्रिय जानकर, प्रभुपाद जी के सेवा किया जानकर, प्रभुपाद जी उनकी सेवा से प्रसन्न है जानकर, जो लोग परम गुरु महाराज जी को इतना प्रीति नहीं भी किया लीला के अनुसार, परम गुरु महाराज जी ने उनका भी प्राणपन से सेवा किया है ऐसा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम एक आदमी को नहीं झेल सकते लेकिन वो लोग ऐसे रहे हैं। अमी कृष्ण पद दासी तेहरस सुख रासी, अमी कृष्ण पद दासी तेहरस सुख आलिंगिया करे आत्मस्वास, आलिंगिया करे आत्मस्वास, ना जाने मोर तानु मान, तब ते हो मोर प्राण नाथ, तब ते हो मोर प्राण नाथ, तब ते हो मोर प्राण नाथ।
गोविंद लीलामृत रात्रि लीला सूचना तावत्तो लब्ध संगो बहु परिचरणैर्वृन्दयाराध्यमानो प्रेष्टालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्कानरासादिलास्यो नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरिवृन्द संसेव्यमानो राधा कृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्त निद्रो स्मरामि। इसको वहां ले जाओ, पहले कहीं ऑफ ना कर दे कोई। माइक का तार प्रभुपाद।
Thank you.